guys, I've just come back from Ramnagar. मेरा जो मदर इन लॉ की बरसी सॉरी फादर इन लॉ की बरसी थी तो वहां से मैं जस्ट अभी आई हूँ और काम में इतनी जबरदस्त काम में लग गई हूँ कि मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल बिजी हो गई हूँ बहुत ज्यादा। अभी पैकिंग भी करनी है, बस कल का दिन बीच में है। अभी बैग वगैरह सब तैयार करने हैं, टिकट्स अपनी देखनी है, कुछ कुछ फोटोस्टेट का काम है और मैंने दाल चढ़ाई है। अभी मैं आपको अंदर का सारा सीन दिखाती हूँ कि क्या क्या है। चलिए गाइस, मिलती हूँ आपको। ये देखिए गाइस, ये मैंने गवार फली आके काटा। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। कोई लेडी मिल गई थी, कहती बहुत अच्छी बनती है, आप बनाइएगा। अरहर की दाल बन रही है, चावल मैंने भिगो दिए हैं और उनको बोला कि इसको थोड़ा सा ना ऐसे पानी करके और छन्नी लगा देना, ये छन्नी में रखना और थोड़ा सा ना इसको हल्का सा भाप दे देना इसको। तो ये भाप दे के फिर इसको आप फ्राई करके बनाना आलू के साथ। तो मैंने छोटा छोटा देखिए आलू भी काट दिया ऐसे और दो छोटा सा मिर्ची स्लिट कर दिया। थोड़ा चटपटा खाने का मन कर रहा है, दाल चावल अच्छे से, क्योंकि कल तो पक्का खाना खाया ना गाइस, तो इसलिए दिल कर रहा है। तो सुबह भी पराठा खाया, 3 सिटी इसमें आ गई। मेरे को लगता है ये ओवर हो गया, ज्यादा हो जाएगा। इसको मैं बंद कर देती हूँ गाइस, ये मैं बंद कर देती हूँ। और ये मैंने थोड़ी मिर्ची काटी है, ये थोड़ा सा फ्राई करूंगी मसाला के साथ, थोड़ा सा दाल चावल के साथ अच्छा लगेगा। ये सारा मसाला भी दिखाऊंगी आपको सारा। तो मैं स्टार्ट हो रही हूँ, सब कुछ मैंने कर लिया है। ये आके मैं लगी, मैंने कहा अगर मैं वो करूंगी आलस करूंगी, कपड़े थोड़े से भिगो दिए हैं, अंडर गारमेंट्स वगैरह कुछ तो वहां भी धोके आ गए थे, फिर भी आते आते भी पसीने से हो जाते ना, वो सब कर रहा है। और फिर मशीन लगा दूंगी, मशीन भी लगाऊंगी, उसका भी काम है। तो गाइज लेट स्टार्ट कुकिंग, सो वेलकम बैक। तो ये मैं बनाऊंगी थोड़ी सी मिर्ची ना, दाल चावल के साथ अच्छी लगती है ये, थोड़ा सा पंचपूरन जैसा होता है लेकिन सब मिक्स है इसमें। क्या बोलते हैं, कलौंजी, छोटा छोटा वो दूसरा वाला भी होता है एक सीड, मेरे को उसका नाम भूल गया, सरसों छोटा वाला और थोड़ा सा मेथी दाना। ये वैसे इसमें डालना नहीं था, सिंपल ही बनाते हैं, बट मेरा दिल कर रहा है इसको भी डालने का कि थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये गाइस मैंने तेल डाल दिया है, बस ज़्यादा तो डालना नहीं, एक चम्मच तेल डाल के इसको थोड़ा सा वो करेंगे गाइस, चटकाएंगे, गरम करेंगे। और बनाएंगे, कुछ भी नहीं पड़ता इसमें, सिंपल सा ये मैं तो, मैंने जहाँ से सीखा था उसमें तो ये डाल के हल्दी डाल के चटका देना है, बस नमक डाल के। बस मैं अपने हिसाब से कुछ और सोच के कि ये थोड़ा सा डाल देंगे ना, थोड़ी खुशबू अच्छी आ जाएगी गाइस। बस ऐसे ही मैं थोड़ा अपना दिमाग चलाती रहती हूँ इनोवेटिव करती रहती हूँ, कुछ किसी का ली के कुछ थोड़ा वो करा, बस ऐसे ही मेरा अच्छा लगता है थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट करना। ये गरम हो गया है बिल्कुल, इसमें हम डाल देंगे ये जो थोड़ा सा जो मैंने बताया था, सरसों और मेथी और कलौंजी, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी जब इसको ये तड़क जाएगा, और हल्की सी डालेंगे पहले हींग पाउडर, ये तड़क जाए ये थोड़ा सा हींग डालेंगे गाइस। कुछ नहीं डालना इसमें, मिर्ची तो है ही और नमक डाल देना, और बस ये थोड़ा सा हल्दी डाल दी गाइस, और इसको हम ऐसे ऐसे कर लेंगे थोड़ा सा, और इसमें डाल देंगे ये अपना मिर्ची, कटा हुआ मिर्ची, बस इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे फ्राई कर लेंगे हल्का सा ना, इंस्टेंट वाला अचार जैसे कह सकते हो, अचार कह लो या तली हुई मिर्ची। तो मैंने पहले बनाया था तो वो हो गई मेरी थोड़ी खत्म। अब जैसे ये हल्की हल्की तड़केगी इसके साथ में, इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना, हल्का हल्का ही फ्राई करना, ज़्यादा नहीं करना। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और दे देती हूँ, अब सही है, अब इसका कलर ठीक आया। रात में ना इसमें लाइट इतनी नहीं है, और बस ये हल्की हल्की तड़क गई, बड़ी जल्दी बन जाती गाय। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर मेरा, बस
बन गई। अमचूर पाउडर डाल दीजिए, चाहे तो नीचे उतार के नींबू वो कर देना, पर मेरे पास है नहीं नींबू, तो मैं तो वैसे तो ज़्यादा तो यही अच्छा लगता है अमचूर, क्योंकि इसको हम पका रहे हैं ना, पकाने में अमचूर ज़्यादा अच्छा रहता है, और कच्ची चीज़ों में वैसे उसका ज़्यादा अच्छा लगता है। बस तो लगभग मैंने एक स्पून अच्छे से बस डाल दिया, तो हल्के हल्के खट्टी हो जाएंगी, बस हम चावलों के साथ खा लेंगे। तो ये मेरी रेडी है, मैं इसको निकाल के इसी में वो ग्वार फली, ये जो है ना मैंने जो निकाल के रखा था दिखाई थी गाइस, ये हल्का हल्का भाप में थोड़ा सा जो बॉईल करके जो इसका वो आता है ना पानी का भाप आता है बनता है, उस भाप में कह रहे थोड़ा सा इसको पका देना, इसलिए इसका हल्का सा चीन, तो फिर ना कच्ची कच्ची नहीं लगेगी, तो आप ना उसको अच्छे से फ्राई कर लो। तो ये मेरी रेडी होगी, इसको मैं निकाल लेती हूँ गाइस, और फिर मैं इसी में अपना वो तल लूंगी, सब्जी छौंक दूंगी। वेलकम बैक गाइस, तो मिर्चे तो मेरी हो गई हैं रेडी, इनको मैं रख दूंगी यहाँ साइड पे, और अब मैं फिर से कढ़ाई को मैंने पोंछ दिया पेपर टॉवल से, और इसी में मैं और थोड़ा सा तेल डालूंगी सब्जी छौंकने के लिए, लगभग 1.25 चम्मच सर्विंग स्पून का ऐसे वाला, ये थोड़ा जो बड़ा होता है ये 1.25 चम्मच, बस ज़्यादा भी नहीं डालना ना कम डालना है, बस ये थोड़ा सा गर्म हो, फिर मैं इसमें ज़ीरा, और मेरे को तो जख्या सोच रही हूँ मैं डाल लूँ, पहाड़ी ज़ीरा जो मैं हमेशा डालती हूँ ब्लैक, वो ग्रीन है ना वेजिटेबल गाइस, बहुत अच्छी लगेगी फिर ये, तो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं हम लोग उसी में करते हैं, थोड़ा सा दे दूंगी इसमें जीरा भी दे दूंगी, थोड़ा सा गर्म हो जाए, देखिए गाइस धुआं आ गया इसमें, थोड़ा सा मैंने जीरा दिया है, थोड़ा मैं दे दूंगी जख्या पहाड़ी जीरा ब्लैक, और इसमें पहले आलू डाल दूंगी गाइस, वो तो मेरी आधी गली गई, मतलब हाफ डन हो ही गई ऑलमोस्ट 40% 50% सॉरी गाइस, ये मिर्चे भूनी थी ना, तो वो और हाँ गाइस सॉरी, अभी जो मैं मिर्चे बना रही थी इसमें नमक तो मैंने आपको दिखाना ही भूल गई, इसमें थोड़ा टेस्ट करा मैंने नमक डाला, बस नमक, बस सिर्फ नमक देना, बाकी बिल्कुल एज इट इज जैसे बना था वैसे ही बनाना, और नमक 1/2 चम्मच, और जो ज़्यादा खाते तो एक दे देना बड़ा, क्योंकि एक बड़ा चम्मच इसलिए नहीं डाला क्योंकि मिर्चें कम थी, 7-8 9 मिर्चें थी थोड़ी बड़ी बड़ी सी, उसको मैंने स्लिट करके हाफ 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 करा था उसका बनाया था। एनीवेज ये इसकी बारी चल रही है, तो ये मैं बता देती हूँ आपको, अब ये भी हल्का हल्का हो रहा है ब्राउन, इसमें भी हम थोड़ा सा पहले हल्दी दे देंगे, थोड़ा सा हल्दी जो डालिए ऐड करिए थोड़ा सा नमक, सो दैट ये थोड़ा सा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, आलू बहुत जल्दी से हमारा टाइम ना लगे किचन में ज़्यादा देर, क्योंकि बहुत गर्मी भी लग रही है गाइस, और थक के भी आए हैं, और जाते जाते सोचा एक ब्लॉग ही बना दे है ना, तो बस अब कल का दिन ही है, मैं क्या करूँगी पता नहीं, एडिटिंग कर पाऊँगी, और भी मेरी 2-3 वीडियोस बनी हुई हैं, देखते हैं क्या क्या होता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट क्या कर सकते हैं। एनीवेज तो ये तो मैं बना ही दूँ जो मैं बना रही हूँ, और दिखा भी दूँ, और मैं थोड़ा सा इसमें पिंच ऑफ लहसुन अदरक का पेस्ट जो इसका इसलिए डाल रही हूँ, शायद ना भी डालती कि ये जो गवार कली है इसका जो किसी को थोड़ा बकबका टेस्ट लगेगा वो ना लगे, उस टेस्ट को हटाने के लिए। तो ये ऑलमोस्ट मेरा डन है, थोड़ा सा ये भी डाल दिया, ये भी थोड़ा पक जाएगा गाइस, फिर और आधा एक मिनट के लिए ढक देती हूँ, फिर इसमें वो डाल दूंगी फली। तो 1 मिनट हो गया लगभग, तो हम इसको हटा देते हैं, और हमारे आलू भी काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए, और लहसुन अदरक भी अच्छे से वो हो गया, तो इसमें हम थोड़ा सा टमाटो ज़्यादा नहीं हल्का सा ऐड कर देते हैं, वो भी हल्का हल्का इसके साथ फ्राई हो गए, और साथ के साथ ये पाते हैं ना गाइस
इसके साथ ही भून जाएंगे। सब्जी भी डाल देती हूँ जो है, फिर मसाले भी डालेंगे तो साफ साफ सब कुछ भुन जाएगा अच्छे से, मसाले के साथ फ्राई हो जाएगा। तो ये मैंने डाल दिया है दाल और इसको मैं ऐसे लगा दूँगी। ये साइड सब्जी जिसको कहते हैं ना, एक्स्ट्रा अलग से जो थोड़ा सा दाल चावल के साथ खाने लायक, तो वही मैं बना रही हूँ। रात को तो हम चावल कम खाते हैं, लेकिन दिन भर से हम लोग वो सब खाते हुए आए हैं, तो मैंने कहा चलो दाल चावल सब तो पूछ के ही मैंने, तो थोड़ा नमक वो हल्दी डाल दी जाए, पहले भी डाली थी, थोड़ा नमक पहले डाला था, थोड़ा नमक डाल देंगे और रेड चिली डाल देंगे, थोड़ा सा थोड़ा डाल देंगे फिर रूटीन के मसाले, धनिया पाउडर डाल देंगे और तीन चार गर्म मसाला थोड़ा खुशबू के लिए सब तक चला देंगे। बिना कोई येलो येलो बनती है, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी सी भेजी कश्मीरी में जिसको कहते हैं हल्की सी, वो डाल दूँ तो थोड़ा सा कलर आ जाएगा गाय सब्जी में ना, हल्की सी मैंने डाल दी सिरप भी, ये देखी मैं इसको मिला दूँगी तो ना थोड़ा सा कलर सा आ जाएगा रेड ब्रेड का, खाने में भी प्रेजेंटेबल हो जाएगा गाय। तो मैंने ये डाल दिया, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मेरे को याद नहीं मैंने कभी बनाई होगी एक आध बारी, बिकॉज इसमें बहुत टेस्ट नहीं होता ना, थोड़ा हल्की सी कसैली, हल्की सी बिल्कुल 1% हल्का सा उसका ना दूसरा टेस्ट होता है बस बताते, तो हर किसी को पसंद नहीं आता, तो मैं ऐसी चीज़ें बनाती नहीं, बच्चे छोटे थे तो बस करते 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 ऐसे ही होता है। मैं आधा स्पून पानी डाल देती हूँ उसको, ना ढक देती हूँ गाय ऐसे करके, फिर उलट पलट करेंगे कि 2 मिनट के बाद ये बन जाएगी, डन हो जाएगी। तो देखिए गाइस, ये मैंने एक बारी जब पानी डाला था खोल के देखा था चेक करके, फिर वापस बंद करा था, फिर देखा था, तो अब इसमें थोड़ा सी कसर रह गई है 1-2 मिनट की, और इस चीज़ से मैं सोच रही हूँ, पता नहीं मैं अपने आप इनोवेटिव करी, हल्का सा ना अमचूर पाउडर दे दूँ, हल्का सा अमचूर, तो डर थोड़ी फीकी फीकी ना लगे, बस हल्का सा मैंने डाल दिया, बिल्कुल ही छोटी सी टेबल स्पून आधी चम्मच, और मैं इसको फिर से बंद कर दूंगी, नीचे ना लगे, जरा सा पानी देते आधा चम्मच पानी देते यहाँ से डाल कोने में, इसको बंद कर दूंगी। ये मेरा बन गया, डन हो गया, और मेरी दाल भी डन हो गई। अब मैं इसको लगाऊंगी तड़का गाइस, ये बहुत अच्छी मेरी दाल बन गई, फर्स्ट क्लास, क्या कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए जितनी पतली, कुछ भी नहीं करना इसमें, जस्ट तड़का देना है, इसमें मैं तड़का दूंगी, आपको दिखाती हूँ। वेलकम बैक गाइस, अब मैं लगाऊंगी तड़का देसी घी का, मैं डाल दूंगी इसमें देसी घी 2-3 स्पून भर के, जितना मुझे लगेगा, ये स्पून छोटा हो गया, इसमें दूसरा स्पून डालूंगी मैं तो अच्छे से आ नहीं रहा, ये मेरे को जितना चाहिए मेरे को, ये छोटी स्पून है, बिल्कुल छोटी वाली, चलिए बहुत हो गया। ये मैं अब गरम करके इसमें डाल के, और मतलब देसी घी मैंने डाल दिया है गाइस पैन में, और ये गरम हो रहा है, जब ये गरम हो जाएगा अच्छे से फिर मैं इसमें तड़का करूँगी, सब्जी भी होने वाली है, एक बारी मैं और चला लूँगी इसको, देख लेती हूँ साइड से, बस ये डली है, सब्जी को रख देंगे गाइस, ये हो गई है डन, तड़का मेरा रेडी है। मैं डाल दूंगी इसमें जीरा, जीरा डाल के, और डाल दूंगी तीन, और इसको कर दूंगी बंद, तो ये मैं डालूंगी तड़का गाइस, वापस एक बारी वापस, फिर वापस, और इसको कर देंगे टाइटली बंद,
ताकि इसका अरोमा इसी के अंदर है। इसको मैं अच्छे से बंद करती हूँ गाइस अभी। तो फाइनली गाइस मैंने ये सब बना दिया है और मेरी तो शक्ल इस समय दिखाने लायक नहीं है क्योंकि मैं बहुत थकी भी आई हूँ। अभी थोड़ी सी भी देर बैठी नहीं, बस चाय पी थी, उतनी देर बैठी हूँ थोड़ी देर, उसमें भी एक सिप लिया, कुछ इधर उधर करे, बर्तन वर्तन कपड़े कुपड़े इधर उधर आगे पीछे, बस ये ही होता हम लोगों का, हम लोग चैन से बैठ नहीं पाते लेडीज ना। तो बस ये मेरी दाल भी डन है, सब्जी भी मैंने आपको दिखा दी। अभी मैं इसलिए खोल के नहीं दिखा रही क्योंकि मैंने अभी दिखाई थी आपको गाइस, ये सब्जी मेरी डन है, दिखा दी थी, और दाल में फ्लेवर निकल जाएगा मैंने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। मैं अभी आपको फिर फाइनल दिखाऊंगी। चावल में बॉईल आने वाला है, बस चावल बन जाएंगे फिर मैं प्लेटिंग करूंगी क्योंकि हस्बैंड का टाइम हो गया गाइस 7:30-8:15 वो ले लेते हैं, तो इस समय बज रहे हैं शायद। तो गाइस फाइनली ये मेरी थाली तैयार हो गई है, खाना तो कब का बन गया, मैं हो गई थी अपनी पैकिंग में बिजी, तो मुझे बस कल का ही दिन है, कल मुझे दवाई लेना और दूसरे काम करने हैं, कुछ फाइनल जो कुछ उसमें डालना है, कुछ खरीदना है, वो सब करूंगी गाइस। तो अब मैं जा रही हूँ खाने, 9:45 बजने वाले हैं, तो हालत बहुत खराब है, दिखाने लायक नहीं है, तो चलते हैं कमरे में लेके थाली। तो मैं आ गई हूँ गाइस खाना लेके अपना, ये देखिए बस अब खाऊंगी, शुरू करूंगी, और हालत बहुत खराब है, वो रहा मेरा बैग यानी कि अटैची, और अभी ये 2-3 चीज़ें हैं जो एक पॉलीथीन दिख रहा है और एक वो मेरा बैग, उसको फाइनल करना है, और पीछे अभी कपड़े हैं उनको भी फाइनल करना है। लास्ट बेटी को दिखाती है अभी, वो भी किसी काम में बिजी है, तो बस अब मैं लगी हूँ खाना खाने गाइस, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ये देखिए पौने 10 क्या 10 ही बज गए गाइस, 10 बज गए, बहुत अच्छी बनी है सब्जी, दाल तो अच्छी बनी है, वो सब्जी सोच रही थी पता नहीं कैसे बनेगी, अच्छी बनी है गाइस, फर्स्ट टाइम बनाई है, ठीक बनी है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपको और बढ़िया से व्लॉग में, और जाते जाते भी मैं इतनी थक गई हूँ तो फिर भी मैंने बना दिया ये। वेलकम बैक गाइस, तो ये थी मेरी 23 की शाम, जिस रात शाम को हम पहुंचे थे रामनगर से बरसी के बाद जब घर आए, तो ये सब सब्जियां भी काफी सारी खरीदी, कुछ दालें भी नहीं थी थोड़ी बहुत वो भी खरीद की, और फिर उनको लगा के बहुत हैक्टिक था, बता नहीं सकती, रास्ते भर में भी हैक्टिक ही होता है, गाड़ी से अपनी कार से आए थे फिर भी बहुत थकान हो रही थी, और फिर मैंने दाल सब्जी बनाई, उसका व्लॉग बनाया, व्लॉग बनाना तो नहीं छूटना चाहिए, तो मैंने कहा चलिए बना देते हैं, तो वो सब भी दिखाया, और इसी बीच में मैंने खाना तो बन गया था 7:30 तक, हस्बैंड 8:30 तक ले लेते, मैंने तो 9:45-10 के बाद खाया क्योंकि मैं फिर पैकिंग में लग गई थी। तो गाइस मैं बहुत बना रही हूँ ये अपने व्लॉग्स, बनाती जा रही हूँ, आई होप कि आपको ये अच्छे लग रहे होंगे, और प्लीज़ मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में, टिल देन बाय।